नमस्कार, ललितपुर लाइव टीवी में आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त सूर्यकांत त्रिपाठी और इस समय हमारी ललितपुर लाइव टीवी टीम मौजूद है ललितपुर के पुलिस लाइन मैदान पर, जहां पर आज राष्ट्रीय संत परम पूज्य मोरारी जी बापू का आगमन हुआ है। साथ में श्री सतुगा बाबा का भी ललितपुर आगमन हुआ है। उनके आगमन को लेकर पूर्व तैयारियां यहां पर चल रही थीं। प्रशासनिक चाक चौबंद व्यवस्थाओं के बीच बापू का जो हेलीकॉप्टर यहां पर उतरा है और उसके बाद उनकी अगवानी करने के लिए, बापू का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए कतारबद्ध तरीके से ललितपुर की कई बड़ी हस्तियां व पत्रकार बंधु यहां पर मौजूद रहे। सभी ने मोरारी जी बापू जी के दर्शनों का सौभाग्य प्राप्त किया और उनका आशीर्वाद ग्रहण किया। इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक कैप्टन MM बेग, क्षेत्राधिकारी सदर राजा सिंह व पूरा पुलिस महकमा यहां व्यवस्थाओं में जुटा रहा और कोशिश की गई कि कोई बापू के ज़्यादा सन्निकट ना जा पाए। इसके बाद हम आपको बता दें कि मोरारी बापू जी ने यहां पर पत्रकारों से एक संक्षिप्त मुलाकात में कहा है कि देश में जिस तरह का अभी माहौल चल रहा है उसको देखकर दुख होता है। उन्होंने कहा कि कोई भी सूरत हो, देश में अमन चैन और शांति बनी रहनी चाहिए। उन्होंने ललितपुर लाइव टीवी के माध्यम से संदेश दिया है कि सभी लोग परस्पर मिलजुल कर रहें और देश में शांति व्यवस्था बनाए रखने की सभी जनों से उन्होंने अपील की है। पुलिस लाइन ग्राउंड से मोरारी बापू सतुआ बाबा जी के साथ एक फोर व्हीलर कार के माध्यम से मसौरा गांव में आयोजित एक कार्यक्रम में भाग लेने के लिए गए। तो मसौरा गांव में क्या रहा मोरारी बापू जी का कार्यक्रम, किस तरह से रही वहां की गतिविधियां, जानने के लिए बने रहिएगा ललितपुर लाइव टीवी के साथ। इस देश में जो इशू चल रहा है उसके बारे में धर्म से जोड़ने की बात विपक्ष लोग बता रहे हैं, क्या है पूरा? पहली बात तो ये है कि पूरे देश में शांति बनी रहे, जो कुछ करना हो वो सभी में किया जाए। और सबसे पहली आवश्यकता मेरी दृष्टि में कि देश में शांति बनी रहे, सबसे मेरी प्रार्थना है शांति। कहाँ जा रहे हैं? और अब परम पूज्य मोरारी जी बापू व सतुगा बाबा का पुलिस लाइन ग्राउंड से हेलीकॉप्टर के माध्यम से प्रस्थान हो रहा है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि किस तरह से अब कुछ समय, लगभग एक घंटे का समय ही उन्होंने ललितपुर जनपद की धरती पर बिताया है और अब परम पूज्य बापू ललितपुर जनपद से विदा ले रहे हैं। उनका हेलीकॉप्टर जाने की, प्रस्थान करने की तैयारी में है और आप मेरे पीछे देख रहे हैं किस तरह से पूरे जिला के प्रशासनिक अधिकारी, जिनमें जिलाधिकारी योगेश कुमार शुक्ला, पुलिस अधीक्षक कैप्टन MM बेग और क्षेत्राधिकारी सदर राजा सिंह और तमाम यहां की नगर ललितपुर की हस्तियां इस समय उनको विदा करने के लिए, बापू का जो यहां पर आज मंगल सानिध्य प्राप्त हुआ है उसके लिए साधुवाद ज्ञापित करने के लिए उपस्थित हैं। और हेलीकॉप्टर अब लगभग प्रस्थान करने के लिए बिल्कुल तैयार हो रहा है और बापू का जो लगभग एक घंटे का यहां जनपद में कार्यक्रम रहा, सर्वप्रथम यहां पुलिस लाइन ग्राउंड से उतरकर उन्होंने मसौरा ग्राम की ओर रुख किया, अब यहां पुलिस लाइन ग्राउंड से वापसी की ओर रुख किया है और अब बापू का जो आगे का कार्यक्रम है वह भिंड की ओर प्रस्थान कर रहे हैं इस हेलीकॉप्टर के माध्यम से। और वहां पर श्री रावतपुरा सरकार में उनका कथा का कार्यक्रम है। और ये देखिए अब आकाश मार्ग से परम पूज्य बापू ललितपुर जनपद से विदा होते हुए आकाश में ये विमान है वो निकल गया है और
जो इनकी अगवानी करने के लिए यहाँ पर पूरा जिला प्रशासन के सभी बड़े अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं। जिलाधिकारी योगेश कुमार शुक्ला जी, पुलिस अधीक्षक कैप्टन MM बेग जी और अपर जिलाधिकारी अनिल कुमार मिश्रा सहित भाजपा जिला उपाध्यक्ष चंद्रशेखर पंत इत्यादि और साथ में कई नगर व क्षेत्र की गणमान्य हस्तियाँ यहाँ पर मौजूद हैं और पत्रकार बंधु भी यहाँ पर मौजूद हैं। सभी ने बड़े ही आनंदमय तरीके से बापूजी के दर्शनों का सौभाग्य प्राप्त किया, उनका मंगल आशीर्वाद प्राप्त किया और अब बापू को यहाँ पर विदा करने के लिए सभी लोग एकत्रित हुए थे पुलिस लाइन ग्राउंड में। और अब यहाँ से बापू का जो प्रस्थान हुआ है भिंड मध्य प्रदेश के लिए, जहाँ रावतपुरा सरकार में उनका कथा का एक कार्यक्रम है। तो आज जनपद में संत के जो राष्ट्रीय संत हैं उनके मंगल चरण रज से यहाँ ललितपुर की धरा धन्य हुई और सभी उनके दर्शन पाकर एक अद्भुत सुखद अनुभूति सभी को प्राप्त हुई है। हमारे साथ मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी के जिला उपाध्यक्ष पूर्व जिला पंचायत सदस्य चंद्रशेखर पंत। चंदू भैया, क्या कहेंगे आज परम पूज्य बापू जी के दर्शन के बाद? हमारे परम पूज्य आदरणीय बापू जी इस ललितपुर की धरा पर पधारे, बहुत अच्छा लगा और हम सभी लोग उनके चरणों में नतमस्तक हुए। हम जितनी भी श्रद्धा थी वो दिखाई दे रही थी, सारे गांव के लोग और अन्य गांव के लोग यहां पर सारे लोगों ने उनको नमन किया। उनके दो शब्द हमें सुनने को मिले, उन्होंने बहुत अच्छा प्रवचन दिए और भगवान के बारे में उन्होंने अपने विचार व्यक्त किए और हम लोगों को आशीष दिया, शुभाशीष दिया और निरंतर हम लोग प्रगति की ओर अग्रसर हों ऐसी उन्होंने कामना की। बहुत बहुत धन्यवाद। मौजूद हैं पुलिस अधीक्षक कैप्टन MM बेग और आज बहुत ही चाक चौबंद चौकस पुलिस व्यवस्थाओं के बीच में परम पूज्य मुरारी जी बापू का जनपद में मंगल आगमन हुआ है। किस तरह की व्यवस्थाएं थीं, किस तरह से रहा पूरा अरेंजमेंट, संक्षिप्त चर्चा करेंगे SP साहब से। देखिए, ये हम सब के लिए बहुत ही सौभाग्य का विषय था आज कि इतने महान व्यक्तित्व के हमारे बापू जी आए थे यहाँ पे और उनका आशीष हम लोग को सबको मिला। व्यवस्था जैसा आप देख रहे हैं, हम लोग लगातार साथ साथ रहे, हेलीकॉप्टर प्रॉपरली लैंड हुआ, उसके बाद यहाँ से सतवा बाबा जी के निवास स्थान तक गए और वहाँ पे जो प्रवचन उन्होंने दिया। तो हम सब लोग कृतज्ञ हैं बापू जी के कि उन्होंने इतना समय निकाला, ललितपुर वासियों को अपना आशीर्वाद दिया और व्यवस्था सब बढ़िया थी, उनका आशीर्वाद हम लोग को भी मिला। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। तो जिस तरह से पुलिस अधीक्षक महोदय ने बताया कि उनको भी सुखद अनुभूति हुई है, संतों के दर्शन करना एक अपने आप में अद्भुत ही सुखद अनुभूति प्रदान करता है, तो आज जनपदवासियों को उसी तरह की सुखद अनुभूति हुई है और आज सभी लोग अभिभूत हैं परम पूज्य मुरारी बापू जी के दर्शन पाके, उनका मंगल आशीर्वाद प्राप्त करके। ललितपुर लाइव TV के लिए स्थानीय पुलिस लाइन ग्राउंड से सहयोगी मनोज जैन और पूजा कश्यप के साथ सूर्यकांत त्रिपाठी की रिपोर्ट।